हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ पढ़ेंगे, जिसके थ्रू मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को डिराइव करेंगे। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, वी गेट du is equal to tds minus dw। ये कंबाइन करते हैं सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमें ये मिलता है कि du is equal to tds minus dw। और अगर एक हम सिस्टम को कंसिडर करें, एक सिस्टम को जिसमें कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, मतलब हीट बाहर जा रहा है, हीट अंदर आ रहा है, तो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है और वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो तब देन टी डी एस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी डी एस इज इक्वल टू डी टी एस। नाउ इक्वेशन वन क्या बन जाएगा, अब इसको इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन वन बन जाएगा डी यू इज इक्वल टू डी टी एस माइनस डी डब्ल्यू। नाउ डी टी एस को अब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारा डी यू माइनस डी टी एस इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। ये इक्वेशन टू ले लेते हैं। नाउ इसको हम डी एफ लिख सकते हैं और ये डी एफ इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू के बराबर होगा, जिसको हम इक्वेशन थ्री ले लेते हैं। सो थ्री और टू से हम ये लिख सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस डी टी एस। और हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू U माइनस टी एस, और दिस इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। दिस इक्वेशन इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। नाउ इसी इक्वेशन के थ्रू हम मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को डिराइव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग वी गेट डी एफ इज इक्वल टू डी यू, अब इसको टी को एक बार कांस्टेंट रखेंगे और एस को एक बार कांस्टेंट रखेंगे, तो टी डी एस माइनस एस टी डी टी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि डी यू इज इक्वल टू होता है टी डी एस माइनस पी डी वी होता है, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो हमारा टी डी एस और टी डी एस कट जा रहा है, तो क्या बचा, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। नाउ इसको अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ को पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ट्रीटिंग वी एंड टी एज वेरिएबल। नाउ अगर पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वी एंड टी, वी गेट जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा कुछ इस टाइप का होगा कि डेल एफ बाई डेल वी, और इसमें हम कांस्टेंट रखे हैं टी को, तो टी को साइड में कर देते हैं, वो किसके बराबर होगा, माइनस पी के बराबर होगा। और फिर डेल एफ बाई टी, यहाँ पे डी टी है तो डेल टी, और हम इसमें किसको कांस्टेंट रखे थे, वी को कांस्टेंट रखे, तो वी इज इक्वल टू माइनस एस। अब क्योंकि जो डी एफ है, सिंस डी एफ इज अ परफेक्ट डिफरेंशिएशन, डी एफ क्या है, एक परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, तो हम इसको ऐसे
लिख सकते हैं कि वी हैव डी एफ, जैसे ये सिंपल था डी एफ बाई डी वी, और जो इसको हम कांस्टेंट रखे थे टी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल टी इज इक्वल टू, यहाँ पे था डेल वी डेल एफ बाई डेल टी, और हम इसमें कांस्टेंट रखे थे वी को, तो डेल बाय डेल वी जो किसके बराबर होगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि डेल टी को अंदर ले जाएंगे और डेल वी को बाहर कर देंगे, इसमें भी डेल वी को अंदर और डेल टी को बाहर, सो हमारा इक्वेशन ऐसे बन जाएगा डेल बाय डेल वी डेल एफ बाय डेल वी, इसमें था टी तो इसमें भी हो जाएगा टी इज इक्वल टू, अब इसमें भी हम बाहर इसको ले जाएंगे, टी को बाहर ले जाएंगे और वी को अंदर करेंगे, सो डेल वी, इसमें था वी तो वी और वी। नाउ डेल एफ बाय डेल वी हमारा आया था माइनस पी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस डेल पी बाय डेल वी डेल टी, इसमें हम टी बाहर किए थे और इसको अंदर रखे थे, और डेल एफ बाई डेल टी का वैल्यू हो गया था माइनस एस, तो यहाँ पे माइनस एस बाई डेल वी इज इक्वल टू, और डेल एफ बाई डेल वी का आया था माइनस पी, तो डेल बाई डेल पी बाई डेल टी। नाउ इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल एस बाई डेल वी इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी, जो कि है हमारा मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। दिस इज मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन।